बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का हाल क्या कर दिया गया है, आप चंद खबरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ये खबरें आ रही हैं कि इंटरनेट की स्पीड स्लो हो चुकी है, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ ऐप्स हैं, ज़ाहिर है कि इंटरनेट की वजह से ही उन तक रसाई हो सकती है, वहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल हो गया है। अब लगता है किसी को इससे गर्ज नहीं है कि इससे मुल्क को कितना ज़्यादा नुकसान होगा। पाकिस्तान उन ममालिक में चाहे शामिल ना हो कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, लेकिन अब यहाँ भी अगरचे हम बिल्कुल दुनिया में बहुत पीछे हैं, मगर यहाँ भी अब कारोबार से भी, तालीम से, हर शोबा, चाहे मेडिकल की फील्ड है, हर शोबा, कोई ऐसा शोबा नहीं है अब पाकिस्तान में जो इंटरनेट से ना जुड़ा हो। हर तरह से आप देख लीजिए, तो जब ये इंटरनेट स्पीड स्लो होती है हर चीज़ को नुकसान होता है। बाहर की दुनिया में हमारा इतना बुरा इमेज बनता है कि हमने क्या यहाँ पर आईटी में तरक्की करनी है, तो बहुत आगे की बात है ना, हमने 5G क्या लाना है, बहुत दूर की बात है। दुनिया में तसव्वुर नहीं है कि ये इस तरह के काम हो रहे हों। तो हुआ क्या कि जी, तरीके इंसाफ का, चूंकि वर्चुअल जलसा था, अब वर्चुअल जलसे भी से भी मसला हो गया है, तो इसलिए जनाब अब ये इंटरनेट ही बंद कर दो, उसकी स्पीड ही स्लो कर दो, ये हाल है। तो जब आपकी सारी तवज्जो रियासत की, अब चाहे ये इसमें PTA आ रहा है, दिग्गर इदारे आ रहे हैं जिनका ये काम है, वो क्या कर रहे हैं, वो ये सहूलतें फराम कर दी, उनकी तवज्जो कहां है कि वो तरीके इंसाफ ने वर्चुअल जलसा शुरू कर दिया, नया काम शुरू कर दिया, इसको किस तरह से खराब करना है। ओह, बलूचिस्तान में जनाब फिर वर्कर्स कन्वेंशन है, अच्छा ओहो, वहां के DC से कहो कि वहां पर पानी छोड़ दे, लोगों को रोके, सारी इंतजामिया उस काम पर लगा दो, पुलिस को इस काम पर लगा दो, सारों को इसी काम पर लगाया हुआ है। और उसका नतीजा क्या है कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जो सबसे ज्यादा महफूज होना चाहिए, जब जहां सबकी ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए, जी तमाम हुकूमत यहां से चलाई जा रही है, और कोई वो इतना बड़ा शहर भी नहीं है, कहें जी वो हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, फलां है, ये अब है। वीडियो सामने आ गई है कि हेड कांस्टेबल को दिन दिहाड़े उसके बेटे समेत कत्ल कर दिया जाता है डाकुओं की जानिब से। यह भी कहा जा रहा है कि वो डाका मार रहे थे तो उन्हें रोकने की कोशिश की। अब इसकी वीडियो मौजूद है, इस्लामाबाद पुलिस अपने ही सिपाहियों की हिफाजत नहीं कर पा रही, और बहुत दिनों से ये बात बार बार रिपोर्ट हो रही है कि क्राइम रेट बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, उसका क्या तरीका है जी, नाके लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, आम आदमी बड़ी मुश्किल में है। लेकिन यहां पर आप देखिए कि क्या रिजल्ट है कि डाके किस तरह से दिन दिहाड़े पड़ रहे हैं, उसकी वीडियो भी मौजूद है। इतनी दुख और अफसोस की बात है कि इंसान क्या करे, लेकिन पुलिस को किस काम पर लगाया हुआ है। ओह, पुलिस जब से IG साहब आए हैं ये इस्लामाबाद के, आप देख लीजिए, वो दफा 144 रिकॉर्ड बनाया होगा, यानी DC है तो उसको तोहीन अदालत के नोटिस है कि तुम MPO इतना क्यों जारी कर रहे हो। उनकी तवज्जो कहां है, तवज्जो इस काम पर है, और इसीलिए ये सब हो रहा है। इतना बुरा हाल हो चुका है कि अभी रिपोर्ट आई है कि कितनी बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार है। इस्लामाबाद पुलिस के 33 एहलकार डिप्रेशन का शिकार है, ये आप देखिए, उनको इसी काम पर लगाया हुआ है, पकड़ धक्कड़ और ये सारे कामों में, तो ये सूरत हाल होगी। अब इंतजामिया के एक और काम क्या है इस वक्त, शेर अफजल मरवत को यहां नहीं होने देना, उनको MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है। तो आप देखिए कि इस्लामाबाद तक में हलचल है, वहां से भी जनाब इस चीज को देखा जाना है कि एक वकील जो बड़ा ही खतरनाक हो चुका है, क्योंकि इमरान खान को तो हमने चले गिरफ्तार किया हुआ है, जेल में डाला हुआ है, लेकिन उसके बाद एक और बंदा पैदा हो गया और वो शेर अफजल मरवत की सूरत में, वो कहता है जी उसको जिंदगी की, मौत की, कोई किसी चीज की परवाह नहीं है, उसको कोई सीट नहीं चाहिए, कुछ नहीं, उसने आगे बढ़ना है। अब लतीफ खोसा साहब भी उसमें शामिल हो रहे हैं, वो भी आगे हैं तरीके इंसाफ में, तो ये अब बड़ी तशवीश की बात है। असल मसला ही है इस वक्त मुल्क का, सबसे बड़ा मसला ये है कि किस तरह से नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। हमारी अदलिया का सबसे बड़ा मसला ये है कि उनके ऊपर से जो भी दाग हैं वो किस तरह धोने हैं। हमारे जितने करप्शन को रोकने वाले इदारे हैं, चाहे NAB है, दीगर इदारे हों, उनका भी यही मसला है कि कोई इन पर करप्शन केस रह तो नहीं गया। जो पुलिस ब्यूरोक्रेसी है, उनका एक काम है कि उनको किस तरह से प्रोटोकॉल देना है, किस तरह सियासत का खेल खेलना है, किस तरह इनके साथ लोग जोड़ने हैं, और तरीके इंसाफ को किस तरह दबाना है। पूरी हमारी हुकूमत, चाहे निगरान है, जो भी है, अगर आप नोट करें तो उनका सिर्फ और सिर्फ फोकस इस वक्त सिर्फ ये नजर आता है कि यही काम है कि जनाब जिनको लाकर बिठाना है उनको सहूलत किस तरह से देनी है और तरीके इंसाफ को किस तरह से दबाना है। और उसका नतीजा ये है कि आप देखिए कि अब पुलिस वाले खुद बेचारे जो हैं वो दिन दिहाड़े कत्ल हो रहे हैं। मैंने आपको ये बताना है कि इस्लामाबाद बार जो है वो किस तरह से सामने आ गई, और इस्लामाबाद बार ने बकायदा एक इजलास तलब कर लिया है शेर अफजल मरवत के लिए, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं, वो मैं पढ़ देता हूं क्या उसमें कहा जा रहा है। नोटिस ब्राय इजलास, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अपने सीनियर मेंबर जनाब शेर अफजल मरवत एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रिहाई के लिए कोशा है, यानी कोशिश कर रहे हैं, खुद इस्लामाबाद बार कह रही है हाईकोर्ट बार, लेकिन इंतजामिया, पुलिस और दीगर इदारे मुसलसल लीतो लाल से काम ले रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन तमाम इंतजामिया, पुलिस और दीगर इदारे सारे इस काम पर लगे हुए हैं
कि पुलिस भी इसमें शामिल है कि जी किस तरह से हमने शरीफ अलमरबूत की हानि होने देना, फोकस यहां पर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बकायदा इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का ये प्रेस रिलीज कह रही है। अच्छा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने मौजूद मेंबर की गैर कानूनी गिरफ्तारी और मुल्क में जारी आइन शिकनी पर अगला लाहे अमल तय करने के लिए एक इजलास सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जेर सदारत तलब किया है। लिहाजा तमाम मेंबरान इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार से इस्तदा की है कि मुरखा 28 दिसंबर 2023 बरोज पीर बवक्त 11:30 पर 11:30 दिन बमकाम इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इस इजलास में शामिल होकर अपनी कीमती राय दें ताकि मेंबरान कि दी गई तजावीज से अगले लाहे अमल का फैसला किया जा सके। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिजवान शब्बीर कियानी सेक्रेटरी इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इसमें दस्तखत मौजूद हैं। तो अब आप ये देखें कि तमाम बार, जिससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार भी ये कह चुकी है, शरीफ अफजल मरवत फवाद चौधरी के वाले से वहां से ऐलान हो गया। लाहौर हाईकोर्ट बार, वहां पर आप देख लीजिए क्या हो रहा है। लाहौर बार में जनाब पुलिस वालों का दाखिला बंद कर दिया गया, जब तक शरीफ अफजल मरवत रिहा नहीं होते तो खतरनाक तो हो चुके हैं। लिहाजा अब जनाब फोकस सारा उधर होना चाहिए कि ये जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाकी जहां तक अदलिया के हवाले से जनाब जो बड़ी खबर आई है, हर तरफ चल रही है, वो ये है कि जी जितने भी जजेस हैं पाकिस्तान में, उन सब के लिए और उनकी अहलिया के लिए, उनकी बेगमात के लिए भी, यानी इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैसल साहब, जो प्रोटोकॉल लेने के आदि नहीं है, उनके चीफ जस्टिस बनने के बाद अब ये नोटिफिकेशन सामने आया है कि जी एयरपोर्ट पर उनकी तलाशी नहीं हो सकती। ये बड़ी खबर बनी हुई है कि चाहे जजेस साहिबान हैं, चाहे उनकी बेगमात हैं, किसी की भी तलाशी नहीं हो सकेगी। बाकायदा ये जो भी सिविल एविएशन है, दीगर इदारे हैं, उनको ये इतला कर दी गई है कि जनाब ये आपने ध्यान रखना है, कोई किसी किस्म की तलाशी इनकी नहीं होगी। ये आप अंदाजा लगाइए, फोकस इस तरफ है। और आम जो हमारे पुलिस एहलकार हैं उनका ये हाल है कि हेड कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ और इनका बेटा डाकू की फायरिंग से शहीद हो गए, और ये कहा जा रहा है कि जी ये डाकू वारदात कर रहे थे तो इनको शायद इन्होंने रोकने की कोशिश की, और वहाँ पर कोई खातून है, बच्चा है, वो चीखों पुकार कर रहे हैं, वो डाकू को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वही ना तौर पर जो वीडियो सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है, ये चीज़ नज़र आ रही है। तो ये जनाब हालात हैं। जबकि अब इस नोटिफिकेशन के बारे में कहा जा रहा है कि 4 दिन बाद जब काजी फैसल साहब ने ओथ लिया था, हलफ उठाया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, तो उसके बाद जनाब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा के तमाम अथॉरिटीज़ को, जो एविएशन अथॉरिटीज़ हैं जिनका एक काम होता है सारे वहाँ पर चेकिंग वगैरह, के जितने भी जजेज़ हैं उनकी बेगमात हैं, उनकी चेकिंग नहीं हो सकती जी, ठीक है जी, और उनको इसमें इस्तिस्ना हासिल है। तो एक तरफ कहा जाता है जी हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, ये नहीं वो नहीं, मगर दूसरी तरफ आप देखिए कि क्या हो रहा है। और ये वो इदारे हैं जिन्होंने देखना है कि किसी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक तो नहीं हो रहा इस मुल्क में, सबको बुनियादी हकूक मिल रहे हैं, सब बराबर हैं आईन और कानून के मुताबिक, सब एक जैसे हैं, तो वो आप देख लीजिए उनके लिए, अपने लिए, अपनी बेगमात के लिए क्या हो रहा है, उन्होंने क्या बराबर समझना है, उनको क्या पड़ा कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, जितने मर्जी लोग उठा लें उनको बंद कर दें, चाहे वो वकील भी हैं। तो अब जनाब चूंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार में इजलास हो रहा है, वकला जो हैं वो इकट्ठे होते चले जा रहे हैं, तो लगता है कि ये बात बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दूसरी तरफ अभी तक हमें यही लग रहा है कि फोकस सारा यही है, पुलिस इंतजामिया सब के जनाब इस तरफ लगाया जाए। आपने देखा ना पुलिस किस तरह से पहुंची, पुलिस वैन भी थी, गाड़ियां भी थी, ओ हाईकोर्ट के बाहर से जनाब गिरफ्तार करना है। अब जाहिर है तमाम इंतजामिया को फोकस उस तरफ रखा होगा, उस दिन तो यही काम हो रहा होगा कि आज शरीफ अफजल मरवत है, ओहो हो पूरे DC की सबकी ड्यूटी लगाओ जी, अच्छा दफा 144 नहीं, इसको MPO के तहत अंदर कर दो, अच्छा फिर किस जेल लगाना जाना है, तमाम यानी इंतजामिया जो है उसका फोकस यहां पर है। तो फिर हालात तो मुल्क में यही होंगे। अल्लाह हाफिज़।